में गोलघर के काली मंदिर से लेकर गणेश चौराहा, कचहरी चौराहा व शास्त्री चौक तक यातायात पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 1019 वाहनों का चालान काटा और जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद की अगुवाई में अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस द्वारा काली मंदिर से शास्त्री चौक सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही एसपी ट्रैफिक की अगुवाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 1019 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गोलघर एरिया में काली मंदिर से गणेश चौराहा से कचहरी चौराहा तक अभियान चलाया गया है। जो लोग यहाँ रोड पर गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, पार्किंग भी नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके बावजूद भी जो लोग पार्किंग में ना खड़ा करके यहाँ जो है कि रोड पर खड़ा करके यातायात को बाधित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया गया है। अब पिछले दिनों भी अभियान चलाया गया, तो अभियान आगे भी इस तरह जारी रहेगा। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि अपनी गाड़ियों को पार्किंग पर ही अवेयरनेस के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंस करके जो लाउड हेलर के माध्यम से ITMS के जो सिस्टम लगे हुए हैं उनके माध्यम से जो है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नगर निगम के गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, वहां पर खड़ी कर सकते हैं या जो सिटी मॉल के सामने पार्किंग है नगर निगम की वहां खड़ी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लोग जो है कि उल्लंघन कर रहे हैं और सड़कों पर खड़ा करके यातायात बाधित कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है।